मायलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है वो उनका साइज क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्जर देन नॉर्मल। क्यों होता है? क्योंकि जो जो बोन मेरो में जो प्रोडक्शन हो रहा है आरबीसी का वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इस वजह से आरबीसी का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये डेफिशिएंसी विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड में देखने को मिलती है, या दोनों एक साथ अगर दोनों की कमी हो तो भी ये देखने को मिलती है, लेकिन विटामिन B12 प्रेगनेंसी में रेयरली देखा जाता है, लेकिन फोलिक एसिड मेनली इसमें रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि फोलिक एसिड सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है। देन कॉजेज क्या क्या है इसके, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के कॉज, डाइट्री इन डेफिशिएंसी, मतलब डाइट में प्रॉपर फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 का नहीं लेना, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी में तो नोजिया वोमिटिंग होता है तो उस कंडीशन में, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट में, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, ठीक है, जिसमें कि फोलिक एसिड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में, किसी ड्रग्स के वजह से, या फिर एक्सेस यूटिलाइजेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो फोलिक एसिड या विटामिन B12 का जो एक्सेस यूटिलाइजेशन होता है प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में, तो उस वजह से भी इसकी कमी आ जाती है बॉडी में, तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, या हेमरेजिक स्टेट में, या हीमोलाइसिस स्टेट में, मतलब आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में, या एक्सेस यूरिन फोलेट लॉस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होगी पेशेंट को, वोमिटिंग या डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेलर विद ग्लोसाइटिस होगा, हेमरेजिक पैचेस दिखेंगे अंडर स्किन और कंजक्टाइवा पे, या फिर हिपेटो स्प्लिनो मैगेली दिखेगा, मतलब लीवर और स्प्लिन की साइज बढ़ी हुई दिखेगी। यानी इसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं, एच बी लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, एम सी एच सी लेवल भी इसका इसमें देखेंगे, ठीक है, और एनिसोसाइटोसिस देखेंगे इसमें, मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, आरबीसी का जो साइज़ है वो इनइक्वल दिखाई देगा, ठीक है, और साथ में ल्यूकोपेनिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, एसोसिएटेड हो सकता है इसके साथ में, ठीक है, मतलब WBC और प्लेटलेट का लेवल भी कम हो। सीरम आयरन नॉर्मल या हाई, सीरम आयरन या फिर तो नॉर्मल होगा या फिर हाई होगा, और सीरम फोलेट इसमें लो होगा, या और बोन मेरो देखेंगे, बोन मेरो में क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइटिक की कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोफाइलेक्सिस, इससे कैसे बचा जा सकता है, WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें 800 माइक्रोग्राम पर डे फोलेट लेना है, और लैक्टेशन के टाइम में 600 माइक्रोग्राम फोलेट पर डे लेना है। अगर वुमेन की पहले की प्रेगनेंसी में उसके इन्फेंट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन अगर हुई है, तो क्या होगा कि उसके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो प्रेग्नेंट होना चाहती, उससे 1 मंथ पहले ही फोलेट स्टार्ट कर देना चाहिए, और 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक फोलेट लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या है इस एनीमिया का, 5 mg ओरल फोलेट पर डे कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 4 वीक इन परप्यूरियम,
मतलब जो 5 mg ओरल फोलेट पर डे उसको लेना है, और परप्यूरियम के एटलीस्ट 4 वीक तक इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक। और गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस की कंडीशन में पेरेंटल फोलेट भी पेशेंट को दे सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इससे, अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, एब्रप्शन प्लासेंटा हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, नियोनेट में भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर फीटल मालफॉर्मेशन जैसे कि क्लेफ्ट लिप्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद में देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये ऑटोसोमिक इनहेरिटेटेड डिसऑर्डर है। ये इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है, वो सिकल सेल सिकल शेप की आरबीसी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी जो 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, इस वजह से इसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकल शेप की हो जाएगी, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है, लेकिन इस कंडीशन में उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाएगा, 17 डेज ही रह जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं इसके, पेनफुल क्राइसिस, इसमें पेनफुल क्राइसिस मतलब पेन देखने को मिलता है बॉडी में, क्योंकि क्या होता है कि जो सिकल शेप की जो आरबीसी है वो वेसल्स में कहीं कहीं इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, तो उसकी वजह से पेन होता है पेशेंट को। क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबीसी वेल फॉर्म भी नहीं है, और हो सकता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी हो उस वजह से। और चेस्ट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि वो आरबीसी हो सकता है कि लंग्स की किसी या फिर चेस्ट की किसी ब्लड वेसल्स में ऑक्लूड हो जाए, तो उस वजह से हायर इन्फेक्शन रेट, इसमें इन्फेक्शन की रेट भी हायर होगी। एवेस्कुलर बोन नेक्रोसिस इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो उसमें भी यही कारण है कि आरबीसी स्मॉल ब्लड वेसल्स में जमा हो जाती है, इस वजह से ब्लड नहीं जा पाता आगे, तो नेक्रोसिस उस पर्टिकुलर ऑर्गन का नेक्रोसिस हो जाता है। इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट करता है ये एनीमिया, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शन हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया, प्री मेच्योरिटी, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, थ्रम्बो एम्बोलिक इवेंट हो सकता है, मेटरनल मोर्बिडिटी भी हो सकती है इससे, और स्टिल बर्थ। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, किडनी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, और HB लेवल चेक करेंगे, ठीक है, और क्या करते हैं, इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। इसमें पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रखा जाता है, ठीक है, इफेक्टिव एनाल्जेसिक देते हैं उसको, क्योंकि पेन हो रहा है उसको इसलिए, या फिर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो एंटीबायोटिक देंगे, ऑटो इनहेलेशन देंगे, फोलिक एसिड देंगे, ओनली ओरल आयरन सप्लीमेंट, ठीक है, पेरेंटल आयरन नहीं देंगे इसमें, ओनली ओरल आयरन सप्लीमेंट ही दिया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अब इसमें कर सकते हैं। लेबर के टाइम पे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या है, पेशेंट में ओवर सेडेशन को अवॉइड करेंगे, ठीक है, एपिडुरल एनिस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को, वेजाइनल डिलीवरी इज आइडियल, वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवा सकते हैं इसमें, अवॉइडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन को अवॉइड करेंगे, और ब्लड शुड बी केप्ट अवेलेबल,
क्योंकि इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन हो सकती है, तो ब्लड हमेशा तैयार रखना है। सर्कुलेटरी ओवरलोड शुड बी अवॉइडेड, सर्कुलेटरी ओवरलोड को अवॉइड करना है। और उसके बाद देखते हैं परप्यूरियम में क्या केयर करेंगे, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे, ठीक है, डिलीवरी के बाद में अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे, हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे पेशेंट का, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज करवाएंगे, न्योनेटल चेकअप फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, न्योनेट को भी चेक करेंगे, उसको भी असेस करेंगे फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड शुड बी गिवन, और पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है उसके अंदर इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है, उसके ग्लोबिन चेन के सिंथेसिस में इम्पेयरमेंट होना थैलेसीमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो दो होते हैं इसमें, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, तो जो अल्फा थैलेसीमिया है वो कब होगा, जब अल्फा चेन होती है उसमें इम्पेयरमेंट होना, ठीक है, तो अगर उस अल्फा चेन में एक चेन में अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट मींस कैरियर, मतलब वो अगर उसकी एक चेन में डिफेक्ट है तो उसमें क्या होगा कि वो पूरा डिजीज कंडीशन में नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है। और बीटा थैलेसीमिया में भी यही है कि अगर बीटा सेल में इम्पेयरमेंट हो तो बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, और अगर एक ए वन चेयर में इम्पेयरमेंट है तो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट बोलते हैं उसको। और अगर मदर में अगर थैलेसीमिया की कंडीशन है और हस्बैंड अगर मदर में थैलेसीमिया की कंडीशन है तो उसके हस्बैंड की भी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, क्योंकि अगर अगर दोनों पॉजिटिव हुए थैलेसीमिया के लिए तो उसका प्रीनेटल डायग्नोसिस फॉर फीटल, तो उसका पेशेंट का क्या करेंगे, प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे फॉर फीटल, मतलब फीटस में भी अगर ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो हो सकता है कि फीटस में भी ये कंडीशन हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रीनेटल उसका डायग्नोसिस करेंगे। देर इज़ वन, इसमें क्या होता है कि अगर उनके अगर चार अगर बच्चे हैं तो उनमें से हो सकता है किसी एक बच्चे को ये थैलेसीमिया की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की एडवाइस दी जाती है, ठीक है। अगर फीटस नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, ठीक है, नॉर्मल एच भी नॉर्मल है उसका, ठीक है, या फिर वो कैरियर है, ठीक है, वो डिजीज अफेक्ट नहीं है, ओनली कैरियर है, तो ऐसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या है, पेशेंट का एनीमिया को मैनेज करेंगे बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, असेस कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, मतलब पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको अर्ली स्टेज में ही उसको मैनेज करना है। देन मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, रिकॉग्नाइज साइन सिम्टम ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग के साइन सिम्टम्स को देखना है, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशन करना है, यूरिन या इमेसिस, ठीक है, इन सब में ओकल्ट ब्लड आ सकता है। डाइट टीचिंग, मतलब डाइट के लिए उसको टीच करना है, ठीक है, जो ऐसा खाना खाए जिसमें कि आयरन हो। प्रोवाइड पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है, आयरन सप्लीमेंट करना है उसका। और डिस्कस डायग्नोस्टिक स्टडीज़,
ठीक है, जो उसके डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करवानी है या फिर वो पेशेंट खुद चाहती है या फिर उससे पूछेंगे आपकी ये डायग्नोसिस हम करवा रहे हैं, तो उस बारे में उससे डिस्कस करना है, ठीक है। और जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है तो उसके उसके बाद में भी हमको आयरन थेरेपी कंटिन्यू रखनी होती है 2 to 3 मंथ। ओके, थैंक यू।